सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नवरात्रि के लिए आलू चाट बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप घर पर इजीली बनाकर खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे। ये मैंने 6 बॉयल्ड आलू ले ली है, ये थोड़े छोटे साइज के आलू इस्तेमाल करें। ये मैंने आधी मिर्ची कटी हुई ले ली है, ये ऑप्शनल है। धनिया पत्ती चॉप्ड, नमक ये सेंधा नमक है, और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर ये 1 टीस्पून है। अब हम इसकी ये देखिए, ये हमारे चटनी के इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आलू चाट में यूज करेंगे। ये मैंने ले लिया है 1/2 कप धनिया पत्ती, इसको धोकर रख लिया है। ये 1/2 नींबू, अगर आप व्रत में नींबू नहीं खाते तो इसे अवॉइड करें। 2 हरी मिर्ची, तीखा कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हम हमने इंग्रेडिएंट्स चेक कर लिए हैं, अब हम इसकी चटनी बनाएंगे। सबसे पहले चटनी के लिए आप एक मिक्सर ले लीजिए जिसमें चटनी बनाते हैं। इसके अंदर ये लीव्स डाल लीजिए। ये 2 मिर्ची, इनको हाफ काट लीजिए। और इसके अंदर मैं डालूंगी ये 1 टेबलस्पून मैंने दही ली है। आप इसकी जगह पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और दही का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए, कवर करके इसे पीस लीजिए। इसको एकदम फाइन पेस्ट में पीसना है। चटनी पीस ली है मैंने, इसे चेक करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा टेक्सचर भी आया है। अब इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। ये मैंने सेंधा नमक ही लिया है, इसके अंदर डाल के इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और चटनी हमारी तैयार है, इसे आप एक बाउल में निकाल लीजिए। मैंने बाउल में निकाल ली है, चटनी रेडी है। तो चलिए अब आलू की तरफ चलते हैं। आलू को सबसे पहले छील लीजिए, आप इनका छिलका उतार लीजिए। सारे आलू को मैंने पील कर लिया है। तो चलिए अब इसकी चाट बनाते हैं। चाट बनाने के लिए एक बाउल लीजिए जिसमें आपको चाट बनानी है। आलू लीजिए, इसको इस तरह से मैंने स्मॉल आलू लिए हैं, इसलिए मैं इसके 4 पीसेस बस करूंगी। ये देखिए 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है, इसी तरह हमें करना है। अगर आपका आलू बड़ा है, ये देखिए आलू बड़ा है, तो इसके ये 3 स्लाइसेस इस तरह से करके। ये देखिए मैंने सारे आलू काट कर रख लिए हैं इस बाउल में। अब इसके अंदर बचे हुए इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं नमक ऐड कर दूंगी, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही ऐड करें। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून लिया था, आप अगर कोई और मसाला भी खाते हैं व्रत के अंदर तो वो भी ऐड कर सकते हैं। साथ में धनिया पत्ती कटी हुई, ये ग्रीन चिली मैंने ली थी, बहुत ही छोटी साइज की ली थी। और साथ में जो हमने चटनी बनाकर तैयार की है वो डालेंगे। ये देखिए मैंने 6 आलू लिए थे, तो 3 टेबलस्पून चटनी हम डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। मैं टॉस कर रही हूँ ताकि अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हो इसके अंदर। ये बहुत ही चटपटे लगते हैं और बहुत ही टेस्टी चाट बनकर आती है। इस तरह से इसे अच्छे से टॉस कर लीजिए। ये देखिए हमने इसे प्रॉपरली टॉस कर लिया है, अच्छे से हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। एंड अगर आप इसे व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसके अंदर मीठी चटनी और साथ में प्याज भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर और अच्छा बनकर आएगा। एंड अगर आप मसाले ज्यादा खाना पसंद करते हैं या फिर आप मसाले व्रत में और भी खाते हैं, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा भुना जीरा और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बढ़ता है। तो चलिए अब हम इसके अंदर नींबू का रस डालते हैं और इसे फिर सर्व करेंगे। ये मैंने 1/2 नींबू ले रखा था, इसके अंदर इसे स्क्वीज कर देंगे। और लास्ट में इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही लाइट हाथों से हमारे आलू मैश नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। अब हमारी चाट एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। मैं इसे एक बाउल में सर्व करती हूँ। मैंने इसे सर्व कर दिया है एंड ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है।
आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो। एंड अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो इस चार्ट को लेकर या इस रेसिपी को लेकर तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड आप अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।